अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अरसलान अपडेट्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एहसास लेबर प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन बी रजिस्टर इन दैट प्रोग्राम। एहसास लेबर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में आपने अप्लाई करने के लिए गूगल इंजन में जाकर वहाँ पे टाइप करना है एहसास लेबर प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप लिख के टाइप करेंगे, सर्च इंजन में क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक लिंक ओपन होकर आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये अप्लाई ऑनलाइन में एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, हाउ टू अप्लाई एहसास लेबर प्रोग्राम। स्क्रोल डाउन करके आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आप आपका रोज़गार मुश्किल हालात ने मुतासर हुआ है और आपके ख़ानदान के किसी फर्द ने एहसास प्रोग्राम से 12,000 रुपये नहीं लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कुछ इंटरफेस होगा जो कि वज़ीर-ए-आज़म के COVID-19 रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरख्वास्त हो सकती है, होगी एक्चुअली। यहाँ पर आपने करना है कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर और आपने मौजूदा मोबाइल ऑपरेटर यानी कि जिस कंपनी की सिम है वो आपने यहाँ पर बतानी है, और अपने तस्वीर में दिया गया कोड यहाँ पर लिखना है और आपने तस्दीक करें में क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इनके ऊपर आ जाएंगे। वही इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पर तमाम। एहसास नए पाकिस्तान का गरीब दोस्त प्रोग्राम जो कि उन्होंने स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि PMO में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से ये तारुफ कराया गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। हाँ, एक बात है, अगर आप इसके हकदार हैं तो आप इसमें अप्लाई करें, लेकिन अगर आप इस काबिल हैं कि आपके पास कुछ इतनी अर्निंग्स हैं कि आप उसे अपना घर बार चला सकते हैं, तो देन यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आप इसमें अप्लाई करने के हल नहीं है, आप अप्लाई ना करें। इसमें सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जो मुस्तहिक हैं, जिनको वाकई पैसों की ज़रूरत है वो लोग इसमें अप्लाई करें। आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना है विद डैशेस, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर देना है, मोबाइल ऑपरेटर बताना है कि आपकी कौन सी सिम है, मोबिलिंक है, यूफोन है, टेलीनॉर है, वारिद है या फिर जोंग है, वो सिम बतानी है। तस्वीर में दिया गया कोड यानी कि CSR आपने यहाँ पर टाइप करना है और आपने तस्दीक करें के ऊपर क्लिक कर देना। कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। ehsaslabor.nadra.government.pk/ehsas/ ये आप डायरेक्ट भी अप्लाई करेंगे तो आप ये डायरेक्ट इस पेज के ऊपर भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी टाइप करेंगे तो तब भी आप इसका फर्दर प्रोसेस करके यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये देंगे तो तब भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये डायरेक्ट लिंक मैं कॉपी करके वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट बेस में आ सकते हैं इनका वेबसाइट के ऊपर, और आप इसमें ईजिली शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल ऑपरेटर और आपने ये कोड यहाँ पर देने के बाद तस्दीक कर देनी है, ठीक है। सो दिस वॉज द ईजी मैथड टू अप्लाई इन एहसास प्रोग्राम। इसके मुताबिक मज़ीद कोई अपडेट होंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा, और आपने कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।